अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी ट्राउज़र शर्ट बनाना सिखा रही हूँ फॉर द विंटर्स। दिस इज़ ट्राउज़र शर्ट ड्रेस एंड यू नीड 38 inches लॉन्ग एंड 12 inches विड्थ जो है फैब्रिक आपको चाहिए वेलवेट का। एंड सबसे पहले मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग सिखाऊंगी, आप इसकी लेंथ और विड्थ देख लीजिए। 1.5 meter फैब्रिक वेलवेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्राउज़र एंड शर्ट। 2 से 3 साल की बच्ची को ईजीली पूरा आ जाएगा, इसी नाप के मुताबिक आप बना सकते हैं। इसको आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। फिर मैं एक और पीस लूँगी, इस पीस को मैं यहाँ रख के इसकी मैं कटिंग करना आपको सिखाऊंगी। ये नॉर्मल ट्राउज़र से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी टोटल लेंथ बन जाएगी 12। 2 से 3 साल की बच्ची के लिए जो ट्राउज़र बनाया जाता है उन सब की विड्थ तकरीबन 12 ही होती है। अच्छा, वो पीस तो आपको मैंने लेंथ और विड्थ बता दी थी, अब इस पीस का भी मैं आपको बता देती हूँ। ये एक छोटा सा मैंने पीस लिया है जिसकी लेंथ और विड्थ जो है वो भी दिखा देती हूँ आपको कि कितनी कितनी आपने लेनी है। आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, 12 इसकी विड्थ है और 14 इसकी लेंथ है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करेंगे फोल्ड। ये 2 कपड़े हैं, ठीक है। जैसे उसमें 4 पीस आ रहे हैं ना फोल्ड करके, इसके भी 4 पीस आएंगे जब हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब मैं इसको फोल्ड करके रखती हूँ। वो अब जो ट्राउज़र है वो तकरीबन इससे, ये जो कपड़ा है वो तकरीबन उससे 4 इंचेस का फ़र्क मैंने रखा है, ठीक है। ऐसे आपने दोनों को फोल्ड करके रख लेना है। अब ये दोनों साइड्स जो हैं वो ट्राउज़र की तैयार हो जाएंगे। आप इसको ड्रॉ कर लें और ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग कर लें, फिर मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ कि कैसे बनेगी। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेलवेट फैब्रिक, ठीक है। ये बहुत गर्म होता है और ये आपको बहुत ही गर्म रखेगा, बच्चों को सर्दियों के लिए बहुत अच्छा ड्रेस है। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस फॉर यू। इसे फ्रेंड्स 2 पीस यहाँ लग जाएंगे, 2 पीस यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। ये आपकी ट्राउज़र हो गई। अब हम आ जाते हैं शर्ट पे। शर्ट के लिए जो मैंने पीस लिया है वो वेलवेट का, 1.5 मीटर में बहुत इजीली शर्ट और ट्राउज़र आपका बन जाता है। तो ये जो शर्ट है ये मैं थोड़ी क्यूट सी फ्लावर्स वाली शर्ट बनाऊँगी। तो आपने करना ये है फ्रेंड्स कि इस तरह एक पीस ले लेना है और उसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ कितनी होनी चाहिए जो शर्ट बनाने के लिए आप को चाहिए होगी। तो 28 और 16 इंचेस जो है वो इसकी विड्थ है, तो आप ये ले सकते हैं। ये लेने के बाद फ्रेंड्स हमने इसको डबल कर देना है, ठीक है। इस तरह आप इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद आपको मैं अपनी रीसेंट जो लास्ट वीडियो थी फ्रॉक की, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने पास बच्चों के लिए एक पैटर्न बना के रख लें। जितने साल के आपके घर में बच्चे हैं और उनके आप ड्रेस बनाती हैं उसके साथ मैंने पैटर्न रखा था जिसके शोल्डर 10 इंचेस थे, चेस्ट 15 थी और लेंथ 25 थी, ठीक है। तो आप हर उससे मेजर करेंगे। अब लेंथ ऑफ दिस पैटर्न इज़ 25, बट एज़ वी आर मेकिंग अ शर्ट सो द लेंथ शुड बी लेस देन द 25, सो आई एम टेकिंग 17 इंचेस लॉन्ग शर्ट। इसके ऊपर रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट कर लेती हूँ। 17 इंचेस आप ले लीजिएगा, 25 वैसे नॉर्मल फ्रॉक की होती है लेकिन क्योंकि मैं ये शर्ट बना रही हूँ तो मैं इसकी 17 लूँगी। और यहाँ से मैंने तकरीबन 4 का डिस्टेंस कर लिया। अब फ्रेंड्स मैं इसकी कटिंग करूँगी, इसके स्लीव्स भी मुझे बनाने हैं। मेन इसका पर्पस ये है कि आपको कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से आ जाए ताकि आप खुद घर में बना सकें। अब आप इसकी कटिंग कर लें। एज़ यू नो कि स्लीव्स तकरीबन 9 इंचेस के होंगे, तो जो कपड़ा मुझे स्लीव्स के लिए चाहिए होगा वो भी मुझे 9 इंचेस ही लेना होगा। ये देखें, ये हो गई हमारी कटिंग। अब हम आ जाते हैं अपने स्लीव्स पे। स्लीव्स के लिए भी आपको इस तरह का एक पीस ले लेना है। इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कितनी चाहिए होगी ताकि बहुत इजीली जो है वो आप इसको बना सकें। तो 15 और 9 इंचेस इसकी विड्थ और 15 इंचेस इसकी लेंथ आपको चाहिए होगी। इस तरह आपने 2 ले लेने हैं, ठीक है। अब इनको मेजर आपने कैसे करना है, आपके पास जो पैटर्न पड़ा हुआ है पैटर्न के साथ रखिए और मेजर करके इसकी इस तरह से करके आपने गोल से कटिंग कर लेनी है। क्योंकि हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए हमने उसके साथ इसको मेजर किया है। इस तरह फ्रेंड्स आपने स्लीव्स काट लिए, ठीक है। विड्थ होती है स्लीव्स की तकरीबन 9 इंचेस, यहाँ पे मैं लगा दूँगी और दूसरी साइड पे लगा देंगे। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। हम एक्चुअली बना क्या रहे हैं, ये स्लीव्स हो जाएंगे इसके साथ और इधर मैं स्ट्रिप्स लगाऊँगी। तो उसके लिए जो स्ट्रिप्स मैंने लगानी है
और फ्लावर्स जो दो मैंने लगाने हैं उसके लिए मुझे शेफून का कपड़ा चाहिए। दिस इज़ अ शेफून फैब्रिक, कोई भी रफ सा ले लीजिए, 1 मीटर में भी काम चल जाएगा। इसकी हमें एटलीस्ट 6 स्ट्रिप्स बनानी है। टेक 6 स्ट्रिप्स ऑफ दिस शेफून फैब्रिक। विड्थ इसकी 3 है और लॉन्ग लेंथ इसकी 35 इंचज़ है। इसकी मुझे तकरीबन बनानी है 6 स्ट्रिप्स, ठीक है। और उसके अलावा फ्लावर के लिए मुझे अलग से 2 स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर्स भी जोड़ लिए हैं और स्लीव्स भी जोड़ लिए हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी उसमें आपको बता चुके हैं कि आपने इनको कैसे जोड़ना होता है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो स्ट्रिप है उसकी साइडों से मैंने दोनों पे पाइपिंग कर ली है, ठीक है। उनको मैंने उनकी सिलाई कर ली है ताकि नीट लुक आए। अब मैं इसको इस तरह रख के और मैं इसको इसके साथ लगा दूँगी। इसी तरह आपने सारी 6 की 6 स्ट्रिप्स को यहाँ पे लगा लेना है। देखिए मैं किस तरह से इसको फ़ोल्ड करूँगी। तकरीबन 2 उंगलियों का या उंगली का फासला रख के मैं इसको फ़ोल्ड करके एक चुनट सी दूँगी और फिर मैं इसको स्टिच करती जाऊँगी। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये देखें बहुत ही क्यूट सी एक लुक आ गई है। इसी तरह आप 6 की 6 स्ट्रिप्स को लगा लेंगे। ये देखें, ये मैंने जिस तरह लगाई है इस तरह पूरी 6 की 6 आप लगा लें। अब ये आपने लगा ली, तो लगाने के बाद आपने करना ये है कि हम ये अलग सी 2 स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। 35 इंचज़ लेंथ और विड्थ जो है वो इसकी तकरीबन 3 इंचज़ है। अब मैं ये फ्लावर बना रही हूँ। I already did piping on the both side of this strip and I'm making a flowers. I will make 2 flowers. इससे एक फ्लावर बनेगा, एक और स्ट्रिप चाहिए होगी जिसका एक अलग फ्लावर बनेगा। और देखें, मैं आपको बहुत ही तरीके से सिखा रही हूँ कि आपने फ्लावर बनाना कैसे है। इस तरह फ्रेंड्स आपने फ्लावर रेडी कर लेना है। मेक एटलीस्ट 2 फ्लावर्स, नीचे से आप स्टिच कर लीजिए। ये आपका फ्लावर हो गया रेडी। अब फ्रेंड्स, ये मेरी शर्ट है तो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। इस तरह रख के आप 2 फ्लावर्स जो है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। आपकी रेडी होगी। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। स्टिचिंग ऑलरेडी आपको पता है कि स्लीव्स को पहले मैं स्टिच करूँगी और उसके बाद मैं इसको नीचे से बंद करके इसको मैं स्टिच कर लूँगी। अब आप ये देखें, इस तरह से हमने ये सारी रेडी कर ली है और अब मैं इसकी स्टिचिंग करने लगी हूँ। जो बाजू हैं उस पर मैं जो एंडस हैं इसके, तो इनको मैं यहाँ से स्टिच कर लूँगी। पाइपिंग मैं बाजुओं की ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एज़ यू सी दैट आई ऑलरेडी डिड द पाइपिंग ऑफ द, ये देखिए मैंने इस पर इलास्टिक लगाई है बाजुओं पे, क्योंकि बच्ची के लिए आप चाहे लगाना चाहते हैं लगा लें, नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, ठीक है। इलास्टिक लगा के आई यूज्ड इलास्टिक विद द स्लीव्स टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल। दो
फिंगर्स का फासला छोड़ के आप इलास्टिक लगाएंगे तो वो एक जो है वो रफल लेस टाइप की सी बन जाएगी। ये देखें बहुत ही प्यारी है, बैक पे भी मैंने लगाए हैं और आगे भी मैंने, आगे भी 6 लगाए हैं, पीछे भी 6 लगाए हैं, ठीक है। स्ट्रिप्स जो है वो बोथ साइड पे लगाएंगे, आपकी मर्ज़ी आप आगे पीछे लगाना चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते। अब मैं आपको ट्राउज़र स्टिच करना सिखा देती हूँ। ये हमारा मेन पीस था बीच वाला, दिस इज़ अ ट्राउज़र एंड नाउ आई एम गोइंग टू अटैच दीज टू स्ट्रिप्स फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ दिस पीस। इस तरह रख के आपने इसको स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स इस ट्राउज़र का ये फ़ायदा होता है कि ये खुला खुला होता है, बच्चे के लिए बहुत ही सूटेबल है ये वाली स्टिचिंग। अच्छा फ्रेंड्स अब आपने जैसे कि देख लिया है, साइडों से आपने पहले स्ट्रिप्स बनानी है, फिर आपने नीचे पैंचा बनाना है, पैंचे के बाद हम इसकी इलास्टिक वाली जगह बनाएंगे और उसके बाद हम इनको आपस में जोड़ देंगे। साइडों से जोड़ लिया है, ये देखें दोनों साइडों को मैंने बना लिया है। अब मैं इसका पैंचा बना लेती हूँ। अब इसी तरह मैंने दूसरा भी रेडी कर लिया है, ठीक है। ये दोनों रेडी कर लिए, अब मैं इनको साइडों से स्टिच करके आपस में जोड़ लूँगी। अब फ्रेंड्स ऊपर आप देख सकते हैं जहाँ इलास्टिक डाली जाती है, तो इस तरह करके आपने क्या करना है कि इनको दरमियान से सी लेना है और ऊपर आपने इलास्टिक बनाने वाली जगह बना ले देंगे। आप चाहे तो इलास्टिक साथ में अटैच कर सकते हैं और चाहे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। ये फ्रेंड्स रेडी हो चुका है, अब मैं इसकी इलास्टिक वाली जगह बना लूँगी। ये फ्रेंड्स हो चुकी है रेडी, थोड़ा सा आपने स्पेस छोड़ देना है ताकि उससे हम इलास्टिक को अंदर कर सकें, या बाद में बेशक छोटा सा कट लगा लीजिएगा। ये फ्रेंड्स हमारे हो चुके हैं रेडी, आवर ट्राउज़र इज़ रेडी नाउ। एज़ यू सी इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। एक्स्ट्रा धागे वगैरह आप काट लीजिए, अब आपने इसमें इलास्टिक डाल देनी है, ठीक है। तो बहुत ही क्यूट सा ट्राउज़र तैयार हो चुका है। दिस इज़ एक्चुअली फॉर द 2 to 3 ईयर्स ओल्ड गर्ल। नाउ फ्रेंड्स एज़ यू सी इट्स ऑलरेडी, इट लुक्स सो क्यूट। आप साथ में कैप मैचिंग कर सकते हैं, आप साथ में स्लीव्स मैचिंग कर सकते हैं, सॉक्स मैचिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये शर्ट अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड फ्रेंड्स हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी फेवरेट और आपकी बहुत ही पसंदीदा चीज़ें सामने लेके आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।